दुर्ग शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने प्रशासनिक अमला अब तक सजग नजर नहीं आया है। सोमवार को हुई दर्दनाक घटना के बाद भी मंगलवार को स्कूल टाइम में चौक से बेखौफ होकर गुजरते रहे भारी वाहन। नो एंट्री में मिली छूट पर अब तक नहीं हुआ फेरबदल। वही यातायात व्यवस्था संभालने मुख्य चौक पर यातायात पुलिस के जवानों की कमी नजर आई, जिसे देखते हुए शहर के नागरिकों को ने दी अपनी प्रतिक्रिया। दुर्ग शहर के हृदय स्तर पर स्थित पटेल चौक पर सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों की मौत के बाद भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई नजर नहीं आ रही है। शहर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासनिक अमला कई बार चालानी कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करना चाहा, मगर कहीं न कहीं यातायात विभाग की अनदेखी के चलते दुखद घटना हो ही जाती है। ऐसा ही नजारा मंगलवार घटना के दूसरे दिन पटेल चौक पर फिर से नजर आया। नो एंट्री टाइम में मिली छूट के चलते वहां भारी वाहनों का गुजरना स्कूल टाइम पर नजर आया। शहर का मध्य भाग होने के कारण बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस चौक को पार कर गुजरते हैं। वहीं बेतरतीब वाहन चालकों द्वारा भी कई लापरवाहियां नजर आईं, जिसके चलते लगातार इस जगह पर खतरा बना रहता है। साथ ही दुर्ग का पटेल चौक बड़ा होने के साथ ही यहां यातायात विभाग के जवान भी कम संख्या में नजर आते हैं, जबकि इस जगह से कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, रजिस्ट्री ऑफिस सहित अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय हैं। इसके चलते लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है। इसी कड़ी में न्यूज टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल जाना और उनसे बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रतिक्रिया ली। व्यवस्था जिस प्रकार से ये दुर्ग जिला का मुख्यालय है, मुख्य चौक है, यहाँ पर जिलाधीश कार्यालय से लेकर न्यायालय परिसर, तहसील कार्यालय से क्षेत्र ऑफिस, डीसी ऑफिस तक यहाँ पे है, शिक्षा अधिकारी कार्यालय, इसके बावजूद सरबराही व्यवस्था आज इसका भुगतान कल कुर्सी स्थित दो भाइयों ने भुगतान जिनकी मौत हो गई। शहर के मुख्य चौराहे में ऐसी घटना होना बहुत ही असंवेदनशीलता दर्शाता है और इससे कहीं कहीं हमको बहुत खेद पहुँचती है। जिस चौक में चार पॉइंट में कम से कम चार पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए यातायात, यहाँ पे मात्र दो पुलिसकर्मी जितने भी केवल चलान काट के नहीं खाते, कोई संवेदना नहीं है, प्रशासन में किसी प्रकार से कोई भी कड़ाई नहीं है और सब भगवान भरोसे। 11 बजे स्कूलों बच्चे का आने जाने का टाइम रहता है, उस समय ट्रैफिक को नियंत्रण किया जाए, बड़ी ट्रक को धान का वो जो भी है उसको बंद रखा जाए, दो एंट्री में ही उसको भी लागू किया जाए, जो सब ट्रकों का टाइमिंग है उसमें भी उस टाइम को। व्यवस्था भी काफ़ी अस्त व्यस्त है, जिसमें काफ़ी गलती नागरिकों की है, रेड सिग्नल में ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार किए बिना 4-5 सेकंड बाकी रहता है, उस समय वो गाड़ी भगाने के फिराक में रहते हैं और दुर्घटना होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा सुझाव ये है कि टाइमर को हटा देने से सिग्नल की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह पाएगी। टाइमर देख करके लोग गाड़ी का एक्सीलेटर आगे बढ़ा के गाड़ी को भगाने की जो उनकी प्रवृत्ति है उस पर काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय, मैं दुर्ग शहर का निवासी हूँ, किशोर कुमार कोठारी नाम है मेरा। ठीक, ट्रकों का जो व्यवस्था है, शासन ने ऑलरेडी नो एंट्री का टाइम दिया हुआ है, पर कुछ गाड़ियों के लिए छूट दी हुई है, उस छूट के टाइम को भी व्यवस्थित किया जाए, उनको एक समय दिया जाए, ताकि कल जो दुर्घटना हुई है वो धान की गाड़ी से हुई है, बाद में पता चला कि वो गाड़ियों को छूट है रहती है, तो उनको भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए। शासन प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी वाहन चालकों में लापरवाही देखी जा रही है और इसका हल शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ चालानी कार्रवाई करके पूरा किया जा रहा है। जरूरत होगा कि चालानी कार्रवाइयों के साथ कई और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, जिनसे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।